नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो व्याकरण का स्वरूप है वो क्या होता है। उसके अंतर्गत जो हमने मूल चार बातें आपसे डिस्कस की वो ये थी कि उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और समास। इसके अंतर्गत जो हमने पहले जो समझा था उनकी जो मोटी मोटी चीजें थी वो समझी थी। तो आज जो हमारा मूल टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग, इसी को पहले पकड़ते हैं। उपसर्ग को, उपसर्ग जो है वो उप उपसर्ग से और सिरज धातु में आके आगमन से और घै प्रत्यय से ये जो शब्द बना है वो बना है उपसर्ग। फिर से समझो इसे। उपसर्ग जो है, पहले उपसर्ग की कैसे करके ये क्या बवाला है वो समझते हैं। उपसर्ग जो है, उपसर्ग का अगर हम तोड़े तो इसमें उप उपसर्ग, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग सिरज धातु में आके आगमन से घै प्रत्यय जब लगता है तो ये उपसर्ग जो है पूरा शब्द बनता है। सृज जो धातु है इसका अर्थ होता है सृजन करना, बनाना, तैयार करना। तो ये जो घय प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है किसी शब्दांश में जो पीछे जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम प्रत्यय कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग जो हमने समझा, उप उपसर्ग में सृज धातु आके आगमन से घय प्रत्यय लग के ये उपसर्ग शब्द बना है। उपसर्ग का अगर परिभाषा की हम बात करें तो होती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दें या उसके अर्थ की भिन्नता बता दें, विशेषता और बढ़ा दें, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ये चीज हमने समझ ली कि उपसर्ग में उप उपसर्ग सृज धातु के आके आगमन से घय प्रत्यय लगता है तो ये उपसर्ग बनता है। उपसर्ग के अगर विलोम की बात करें तो क्या होता है, उपसर्ग का विलोम, उपसर्ग का जो विलोम है वो होता है परसर्ग, या हम इसके लिए कह सकते हैं प्रत्यय, या हम इसके लिए कह सकते हैं अपसर्ग, ऐसे पूछ सकता है वो। ये मैंने उपलिखा और ये मैंने लिखा सर्ग, ये दो ही इसमें चीजें जुड़ी हैं। जो शब्द बना है उपसर्ग, तो उप धन सर्ग से ये उपसर्ग बना है। संधि नहीं पढ़ा रहा हूं फिर भी समझने का प्रयास करिएगा। उप धन सर्ग से, उप का अर्थ होता है समीप में सृष्टि, या हम कह सकते हैं स्थापित करना, स्थापित करना। उप का अर्थ होता है समीप में या सृष्टि, उप समीप में सृष्टि या स्थापित करना। और ये जो सर्ग है, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी कि निर्माण करना। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं पास आकर नया शब्द बनाना। समझो जरा, ये जो उपसर्ग है इसको हम ऐसे तोड़ेंगे उपधन सर्ग में, तो उप का जो अर्थ है समीप में सृष्टि, या हम इसको कह सकते हैं स्थापित करना। और सर्ग का जो अर्थ है वो होता है सृष्टि करना, अर्थात हम कह सकते हैं पास आकर नया शब्द बनाना। ये उपसर्ग की बात हो गई। उपसर्ग में, उपसर्ग के अब भेद की बात करते हैं। तो जो उपसर्ग के भेद होते हैं, भेद या प्रकार अलग अलग भाषाओं के, तो इसके जो प्रकार भेद हैं वो हैं मूल रूप से चार। वो कौन कौन से हैं, तो संस्कृत में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या है 22। और जो अगर हम बात करें, इधर लिखो,
इसे तो इसे समझ लो फिर से, फिर इसे मिटालते नया लिखते। ये जो उपसर्ग शब्द है इसको हम तोड़ेंगे उप धन सृज धन आधन घय, अर्थात उप उपसर्ग में सृज धातु के आ के आगमन से घय प्रत्यय जब लगता है तो उपसर्ग का निर्माण होता है। ये जो शब्द है इसको सीटेट में पूछा गया है, सीटेट में से पूछा गया संस्कृत में। क्वेश्चन बनाने वाले का क्या दिमाग, अब आप पढ़ के आए क्या, वो बात को हिंदी में भी पूछ सकता है, से समझना चाहिए। उपसर्ग के विलोम की बात करें तो इसका अर्थ होता है परसर्ग या प्रत्यय या अपसर्ग। उप और धन सर्ग को अगर हम देखें, उपमान होता है पास समीप में बैठना या स्थापित करना, और सर्ग माने होता है सृष्टि करना अर्थात पास आकर नया शब्द बनाना। तो ये इसका अर्थ हो गया, आगे चलते हैं। हालांकि पीडीएफ तो आपको मिली गई मिल ही जाएगी। आज जो हमारा मूल रूप से टॉपिक है वो उपसर्ग ही है। आगे देखो, उपसर्ग के भेद या प्रकार तो ये चार होते हैं। पहला है इसमें संस्कृत में, तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं, और अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 10 से लेकर 13 होते हैं, और यदि हम उर्दू या फारसी में बात करें तो इसमें जो होते हैं 19 होते हैं। और चौथे नंबर पे यदि हम बात करें अंग्रेजी तो इनकी संख्या अनंत है, कोई ज्ञात नहीं। ये चीज हमारे लिए इन दो बातों से लेना देना है। हालांकि थोड़ा अगर एक कहते नहीं कि कमा तो सभी लेते हैं और रोटी भी सब खा लेते हैं, रोटी में थोड़ा घी लग जाए तो और अच्छी बात, तो वही बात है कि उर्दू फारसी की अगर हम थोड़ी पूछ लेंगे, हालांकि क्वेश्चन ये कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये इतने हो जाए। अब उपसर्ग की हम बात करते हैं, ये चीजें हम समझते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे उपसर्ग, फिर लिखेंगे अर्थ, और फिर हम लिखेंगे शब्द। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर उपसर्ग, तो जो उपसर्ग है वो कौन कौन से हैं? जैसे मैं लिख दूं अति उपसर्ग है भाई ये, अधि उपसर्ग है भाई ये, अनु ये उपसर्ग है, अप उपसर्ग उप अप उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, ये क्या है, ये जो है उपसर्ग है सभी। मैं इस तरफ बात करूंगा अर्थ की, तो इसका अति का माने होता है अधिक, अभी शब्द बना के बताऊंगा, और अधि अति का माने होता है अधिक, और अधि का माने होता है ऊपर, या हम इसके लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं, जहां पर जैसा शब्द होगा उस हिसाब से। फिर जो अनु है इसका अर्थ होता है पीछे, या हम इसके लिए कह सकते हैं समान। इसी प्रकार से ये अप होता है, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। ऐसी अगर मैं बात करूं अभी तो इसका अर्थ होता है सामने या चारों ओर। ये अर्थ की बात हो गई। अब शब्द देखो कैसे बनते हैं, इससे जो शब्द बनेंगे वो समझते हैं। ऊपर या अधि में जैसे हमने लिख दिया अत्यधिक, ये शब्द बनेगा, वो पूछ लेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा शब्द लिख दूं अत्यंत, ऐसे ही यदि मैं अगला शब्द लिख दूं अतिरिक्त, इस तरीका से ये जो शब्द हैं ये यही बात को इंगित कर रहे हैं। ये अति उपसर्ग से इसका अर्थ होता है, कहते नहीं कि उसने तो अति कर दी, अति माने अधिक, अत्यधिक इसमें जो है शब्द बनेगा इससे अति उपसर्ग से, अनंत अत्यंत और अतिरिक्त इससे बनेगा। अब आता है अधि,
अधिमान्य होता है ऊपर या श्रेष्ठ, इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, इसका जो शब्द बनेगा अनुचर, अभी समझाऊंगा, अनुकरण, अनुसार। ये जो शब्द है बुरा या हीन, इसका जो उपसर्ग है वो है अप, जैसे है अपयश, अपमान, अपकार। ऐसे ये अभी है, इसका अर्थ होता है सामने या चारों ओर, इससे जो शब्द बनेगा वो है अभियान, अभी, शेक और अभिनय। देखो जो मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो उपसर्ग है ये इसका अर्थ है और ये शब्द है, आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो पूछेगा अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन दे देगा। हमें ये देखना है अति उपसर्ग है, क्योंकि अत्यधिक को अगर हम तोड़ेंगे तो ये अत्यधिक जो शब्द हमने लिखा है ये टूटेगा अति धन अधिक में, तो इस हिसाब से वो अंडरस्टूड चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि इसमें अति उपसर्ग है। वो नीचे ऑप्शन में हालांकि ऐसे भी देगा, तो हमें ये समझ लीजिए, क्योंकि उपसर्ग का संधि से बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, उतना ही बड़ा कॉम्बिनेशन है जितना श्री कृष्ण का राधा से और रुक्मणी से था, वेशक वो पत्नी उनकी थी लेकिन मूल चीज जो थी वो उन्हीं से थी। ऐसे ही कोई भी उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो उपसर्ग में जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि सबसे ज्यादा संधि की हमें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट यदि संधि पे पहुंच जाते हैं तो हम उपसर्ग नहीं सीख पाएंगे। तो उपसर्ग को हमें बहुत अच्छे से सीखना है ताकि हम संधि बहुत अच्छे से सीख सकें। ऐसे ही करके जैसे अत्यंत, तो अति धन अंत से, तो इसमें भी उपसर्ग हो जाएगी अति, ऐसे ही अतिरिक्त में, तो इसमें तो साफ दिख ही रहा है, तो इसमें जो है अति अति ये तब हमारे उपसर्ग हैं। अब जो मैंने आपसे जो बात की कि वे शब्द या हम कह सकते हैं प्रारंभ आदि में जुड़कने वाले वो शब्द जो किसी शब्दांश में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये आगे ही जुड़ रहे हैं, पीछे थोड़े ही जुड़ रहे हैं। ऐसी ये अधि, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और इसमें अधि ये उपसर्ग है, इसमें अधि ये उपसर्ग है और ये उपसर्ग। ऐसे ही अनु, तो इसमें ये उपसर्ग है अनु और ये अनु। ऐसे ही अप, यस, अभी अभी अभी, अत्यधिक, अति अधिक, ज्यादा, अधिकार, अधिकार, अधिपति। अब देखो ऊपर जो श्रेष्ठ है, अधिपति कहते नहीं, वो हमारा श्रेष्ठ है, अधिपति है, तो अधिपति, अधिनायक, जो सभी नायक के ऊपर है, श्रेष्ठ है। ऐसे ही अनुचर, पीछे या समान, अनु माने पीछे और समान माने या उसके लगभग समान, अनुकरण, अनु माने पीछे के जो कार्य करने वाले, जैसे मैंने कोई काम कर दिया उसके पीछे जो कर रहे हैं तो कहते नहीं हम उसका अनुकरण करते, अनुसार, जो सार है उसके अकॉर्डिंग चलना, अपयश, अपमाने बुरा हीन, तो ये सभी चाहते हैं लेकिन बुरा अपयश नहीं चाहते, निगेटिव जो क्या बोलते हैं पॉपुलर होना कोई नहीं चाहता है, अपमान, तो वही बुरा जो मान है। ऐसे अपकार, एक होता उपकार एक होता अपकार, तो उपकार तो अच्छा होता, अपकार बुरा होता, तो वही अभियान, जो चारों ओर चलने वाला कोई यान है, अभिषेक, जो चारों ओर करने वाले देने वाली जो चीज है, अभिषेक भगवान शिव के लिए जो जल देते हैं वो चारों तरफ देते हैं, ऐसे नहीं एक तरफ से लौट दिया। ऐसी अभिनय,
जो सामने करने वाले जो नयन के सामने जो किया जा रहा है या चारों नयनों के चारों ओर जो किया जा रहा है तो अभिनय इस तरीका से चलता। अब इसकी जरा परिभाषा लिख लो, ये उपसर्ग की अभी और समझाऊंगा। तो उपसर्ग की जो परिभाषा है वो समझो, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा है बे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ, जिसे हम आदि कहते हैं आदि अनादिकाल, यानी कि शुरू से प्रारंभ से आदि में जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर दे, विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये क्लियर कर रही है कि बे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उनके लिए हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अत्यधिक, तो इसमें अति उपसर्ग है। जैसे मैंने लिख दिया अधिनायक, तो इसमें अधि उपसर्ग। जैसे मैंने लिख दिया अपमान, में अप है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि अतिरिक्त, तो यहां पर अति है। तो इस तरीका से ये हो जाते हैं उपसर्ग। और समझते हैं थोड़ा, ये परिभाषा आप समझ लो फिर से कि बे शब्दांश शब्द के अंश जो, क्योंकि ये पूरे शब्द नहीं शब्द के अंश हैं। अत्यधिक में जो अति है, अधिनायक में जो अधि है, ये शब्द पूरा है, शब्दांश है। ये बे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में, शब्द तो पूरा है इसके प्रारंभ में जुड़कर जुड़ा हुआ, उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे। तो अधि का अर्थ होता है, अधि का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर सिर्फ, और नायक जो सबके ऊपर का नायक है वो अधिनायक। तो अर्थ बदल दिया इसका। तो इस तरीका से ये उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब आगे समझते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं वही अर्थ उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण कह सकते हैं, या इसके लिए शब्द कह सकते हैं, शब्द डाल लो या उदाहरण जो शब्द। तो जैसे उपसर्ग में यहां पे लिख दूं आ, इसका जो अर्थ होता है वो होता है निषेध। या इसके लिए अभाव कह सकते हैं, या इसके अभाव, या इसके लिए हम कह सकते हैं अनजान। इसे समझो आ का। तो इससे जो शब्द बनेगा, जैसे अनाम, आमाने नहीं नाम, जिसका कोई नाम हो ना हो, हम वही तो कह सकते हैं इसके लिए अनाम। ऐसे ही हम एक चीज और कह सकते हैं आ स्पर्श, यानी कि जिसे छुआ ना जा सके, या जिसे छूने में जो है, जिसका छूना जो है वर्जित हो, या हम इसके लिए कह सकते हैं अनपढ़, अपढ़, यानी कि जो पढ़ा, जो पढ़ाई से रिक्त है, पढ़ा लिखा नहीं, अपढ़ हो जाए। ऐसे जैसे मैं एक शब्द यहाँ पर, सॉरी एक उपसर्ग जैसे मैं लिखूं यहाँ पर अध, तो ये जो अध है इसका माने होता है आधा। इससे जो बनेगा सर वो अधिखिला, इससे शब्द बन सकता है अध कहा,
अर्थ समझ रहे हैं आप? आधा यानी कि आधा कहा हुआ कहना या अध खिला जो आधा खिला हुआ हो। ऐसे ही अगर मैं एक शब्द और यहां पे लिख दूं कि अन, तो अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, अभाव या निषेध। जैसे इससे जो शब्द बनेगा अनपढ़, अनमोल, अनहित बन सकता है, अनहित। आ इसमें ये उपसर्ग है, इसमें अधि है, अध। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा, अनमोल मोल रहित है जो, अनहित हित से रहित है। जैसे मैं आगे एक चीज और लिख दूं, ये उपसर्ग जैसे मैं लिख दूं औ, औ से जो बनेगा वो बनेगा हीनता, या इसे हम नहीं कह सकते हैं। तो जैसे अवघड़, या हम कह सकते हैं अवगुण। ऐसी मैं अगर लिख दूं कू,